नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा न्यूज। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज ने आज जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और यमुना प्राधिकरण का धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जेवर में बन रहे 50 बेड के अस्पताल और जगह जगह लग रहे ऑक्सीजन प्लांटों के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति तहे दिल से प्राधिकरण का और जिला प्रशासन का धन्यवाद करती है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। जय जवान, जय किसान, जय भारत किसान लोक शक्ति। साथियों, मैं ठाकुर स्वराज सिंह भाटी आज तहे दिल से गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन, माननीय कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर और यमुना विकास अथॉरिटी के डॉक्टर अरुणवीर सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जूरी कंपनी को दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति के अनुरोध पर जेवर में एक जूरी कंपनी के सहयोग से जो कि एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है, 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया और उसका संपूर्ण काम लगभग तैयारी पर है। जेवर में एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया, दादरी में करवाया, ज़िले में ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही थी, महामारी चल रही थी, उसकी संपूर्ण पूर्ति के लिए आज जो यमुना अथॉरिटी माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय और जूरी कंपनी ने जो बीड़ा उठाया है उसका भारतीय किसान लोक शक्ति तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। कई बार मैंने स्वयं पुलिस कमिश्नर साहब से फ़ोन पर वार्ता की, चूँकि आज कोविड गांव देहातों में भी फैल चुका है। पिछली बार गांव देहातों में बहुत कुछ सहूलियत रही थी, अब की बार गांव देहात में भी इसकी मारामारी है, इसलिए गांव देहात के मरीजों के लिए जेवर में पूरे गौतम नगर में अस्पतालों की भी में बेडों की भी कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पब्लिक में एक किस्म का भय फैल गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने, माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय जी ने और यमुना अथॉरिटी के डॉक्टर शिव अरुणवीर जी ने जिस तरीका से अपने अपने क्षेत्र में पूरी संलग्नता के साथ काम किया, जूरी कंपनी का सहयोग लिया और क्षेत्रवासियों को सहूलियत देने का काम किया इस कोविड महामारी में भारतीय किसान लोक शक्ति, उन सभी का, सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, अथॉरिटी प्रशासन का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति। धन्यवाद।